श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन मास शुरू हो चुका है और सावन मास जो होता है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है, हम सभी जानते हैं। सोमवार का पवित्र दिन आ गया है। इस वीडियो में आपको सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं सावन में, या फिर प्रदोष की तिथि पे कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि या फिर अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं। बाकी पांच सोमवार सावन में पड़ेंगे, इन पाँचों सोमवार में भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है शिव पार्वती का दीपक जलाने वाला उपाय है, दोनों के नाम से। लेकिन दो दीपक जलेंगे, दोनों के नाम से ही आपको दो जगह दीपक जलाने हैं। तो और ये दीपक वाला जो उपाय है ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके जीवन में जो परेशानी है, कष्ट है, दुख है, आपके घर के किसी भी व्यक्ति बहुत परेशान है, तो फिर इस उपाय को ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो एक दीपक की बात करते हैं, वो कैसे करना है। आपको एक दीपक लेना है गोल बाती का, साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल ले लेना, बस ये दो चीज़। और ये उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल या फिर उसके बाद में, मतलब शाम को करीब 5:30-6:30 बजे के बाद ही ये उपाय करना है। थोड़ा सा काला तिल ले लिया और गोल बाती का दीपक बनाइएगा और घी डालना है उसमें। चले जाना है महादेव के मंदिर के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाइएगा तो आपको क्या करना है, दीपक जो आपने लिया हुआ है, अगर आप जल लेकर के गए हैं तो जल वगैरह चढ़ा दीजिए सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपने जो दीपक लिया हुआ है सबसे नीचे जो है चावल, जो आप सॉरी काले तिल लेकर के गए हैं, तिल का आसन देना है आपको, भोलेनाथ की आरती करनी है, दिया उनको दिखाना है, उसके बाद तिल का आसन देना है, थोड़ा सा तिल बचा लेना है और दीपक जलित कर देना है। उसके बाद भोले बाबा से अपनी जो कष्ट परेशानी है वो कहना है और उसमें काले तिल बचे हुए डाल देने हैं थोड़े से दीपक के अंदर में भी, ठीक है। थोड़ा सा तो आपने दीपक को आसन दिया, उसके ऊपर दीपक रखा और बाकी बचा हुआ थोड़ा सा काले तिल दीपक में डाल देना है। एक दीपक आपने जला दिया महादेव के मंदिर में। अब दूसरा दीपक आपको क्या करना है, ये भी आपको घी का ही जलाना है, लेकिन इसमें बाती रखेंगे आप लंबी बाती का, ठीक है। शिव पार्वती को वहाँ पर भी आपने स्मरण किया था, अब यहाँ पर भी ये दीपक ले लिया। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एक चुटकी भर चावल ले लेना है और दोनों चीज़ लेकर के आपके आसपास जहाँ कहीं भी बेल पेड़ का हो, बेल का पेड़ है या फिर गमले में लगाया हुआ है तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। दूसरा दीपक शाम को ही लेकर के आप बेल पेड़ के नीचे चले जाइए, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है आपको और नीचे बेल की जो मिट्टी होती है नीचे जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है और उसी मिट्टी का आपको आसन देना है, यानी मिट्टी रखेंगे उसके ऊपर लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है और जो थोड़ा सा चावल लेकर के गए हैं एक चुटकी भर, वो चावल आपको उसी दीपक में डाल देना है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को स्मरण करना है, उसके बाद जो भी व्यक्ति के लिए दुख है, परेशानी है, उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना और प्रार्थना करना उस व्यक्ति की दुख परेशानी दूर हो जाए। जो ये दो दीपक शिव पार्वती के नाम से जला देता है उसके सभी कष्ट दुख परेशानियां भोले बाबा दूर कर देते हैं। करके ज़रूर देखिएगा एक बार ये उपाय। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा जो उपाय करेंगे वो आपको करना है, अगर धन संपदा की कष्ट है, कोई परेशानी है, धन संबंधी समस्याएं हैं, कर्ज लेना पड़ता है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, कोई भी मतलब धन की समस्या है तो फिर आप इसको ये उपाय करना है, या फिर परेशानी है, कष्ट है, पितर परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कर्ज तो परेशानियों को दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको लेना होगा एक कटोरी चावल, छोटी सी एक कटोरी लीजिएगा, उसमें आपको चावल लेना है। ज़रूरी नहीं है कि सब अक्षत ही हों, ऐसा नहीं है, कैसे भी चावल आप ले सकते हैं, अगर वो खंडित भी हैं तो चलेगा। कटोरी भर के आपने चावल ले लेना है। अब आपको एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, उसमें आपको घी डालना है, लंबी बाती का मिट्टी का या आटे का दीपक तैयार कर लीजिए। अब उस जो आपने कटोरी ले रखी है उसी के ऊपर उस दीपक को रखना है और आपके घर में जहाँ जल रखा जाता है वो पितरों का स्थान माना जाता है, तो इससे क्या होता है कि पितर अगर कष्ट दे रहे हैं तो वो कष्ट दूर कर देते हैं आपके, तो उस स्थान पर इस कटोरी को स्पर्श करवाना है जहाँ जैसे आरओ है या मटका है या कोई फिल्टर रखा है आपने जिसमें भी पानी भर के रखते हैं, उस जगह पर टच करवाना और अपने घर की जो चौखट होती है, शाम को ही ये उपाय भी आपको करना है, ठीक है। जो घर की चौखट होती है उस चौखट दाहिनी तरफ, जब
आप घर में एंटर कर रहे हैं तो दाहिनी तरफ चौखट के आपको ये दीपक रख देना, नीचे कटोरी में चावल है और उसके ऊपर आपको दीपक रख देना है। इतना काम करना है, शाम को कर लिया। अब जब दीपक शांत हो जाता है तो चाहे तो उसी दिन में, उसी रात को या फिर अगले दिन सुबह में आपको क्या करना है, दीपक को हटा लेना है और जो चावल है वो किसी भी आसपास हरा भरा पेड़ है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि नीम हो, पीपल हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हरा भरा पेड़ जहाँ पर पशु पक्षी आते हो वहाँ जाके चावल को छिटर देना है, जिससे उस चावल को पशु पक्षी खा लें। इस उपाय को करने से पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा बरसती है, तो आधे कष्ट तो वैसे ही जीवन के दूर हो जाते हैं, ग्रह भी शांत हो जाते हैं और भोले बाबा की कृपा से आपकी धन की समस्या जो है वो भी दूर हो जाएगी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। करके ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है, अगर कोई कष्ट है, दुख है, परेशानी है, इसके अतिरिक्त कोई मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, बहुत दिन से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, कोई भी दुख, परेशानी, कष्ट है, तो फिर आपको ये उपाय करना है समस्याओं से छुटकारा करने के लिए। जो किसी व्यक्ति, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसके लिए भी आप कोई और भी ये उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा काली मिर्च, जो खड़ी वाली होती है, पीसी नहीं चाहिए हमको पाउडर, खड़ी काली मिर्च चाहिए। कितनी? 5 खाली मिर्च ले लेना आपको, काली वाली। उसके बाद एक पात्र लेना है, चाहे लोटा, कटोरी, तांबे का मत लीजिएगा, स्टील का ले लीजिए। उसमें आपको डालना होगा एक लोटा जल भर लेना है, थोड़ा सा दूध भी उसमें डालना है, इस तरह से करके डाल देना है, दूध और जल भर लिया। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो काली मिर्च ली है वो काली मिर्च भी उसी जल के लोटे में डाल देनी है और ले करके चले जाना है भोले बाबा के मंदिर में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और जो जल आपने लिया हुआ है ये जल आपको 5 जगहों पर चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर थोड़ा जगह, फिर थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी, पार्वती माता का फिर हस्त कमल पे चौथी बार, और 5वां आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। अब चढ़ाना कैसे है, जब आप पहली जगह गणेश जी को चढ़ा रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, दूसरी जगह चढ़ा रहे हैं तो भी आप कुंदकेश्वर महादेव, माता अशोक सुंदरी पे भी कुंदकेश्वर महादेव, सभी जगह पे, चारों जगह कुंदकेश्वर महादेव का नाम से जल चढ़ाइए। लेकिन जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं 5वें पार, तब आपको जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। जो व्यक्ति दुख में है, जिसको बहुत दुख है, बहुत परेशानी, बहुत कष्ट है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अंत में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर बीमारी है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति के नाम गोत्र बोल करके उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करिएगा और अपने घर आ जाइएगा। धीरे धीरे भोलेनाथ उस व्यक्ति की परेशानी, दुख या कोई बीमारी है तो बीमारियों को भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित हैं और अलग अलग तरह के उपाय भी हैं। जो उपाय आपको आसान लगता हो, आपकी समस्या से संबंधित हो, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।